वो चैलेंज दूंगा जो मैंने कभी नहीं किया है। ये वाला फंसा लेके ठीक यहाँ से यहाँ जाना नहीं, वो बोला भी नहीं जा रहा ढंग से। तो दिक्कत हो रही है, वो हल्का सा जरा पेट में मुझे दर्द हो रहा है। अभी अभी माँ आई और नीचे से डांट के चली गई। हाइट का व्यू कुछ ऐसा है। कंप्लीट होने को होने ही वाला है, बस एक मिनट और एक मिनट और। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है दीपू पटवाल, मेरे गांव का नाम है कंडोली छोटी और जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। तो चलिए एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। तो गाइज मैंने कल वीडियो के एंड में एक खुद को एक चैलेंज देने के लिए बोला था, तो गाइज आज मैं खुद को वो चैलेंज दूंगा जो मैंने कभी नहीं किया है। तो चैलेंज सुन लो पहले। तो चैलेंज ये है कि मैं 24 घंटे में ना खाना खाऊंगा, ना पानी पीऊंगा और ना सोऊंगा। तो देखता हूँ क्या होता है। ये मेरे लिए आज का टास्क है, ये मेरे लिए चैलेंज रहने वाला है। और जो काम काज मैं डेली करता हूँ वो मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोलते हैं कि खाना वगैरह खा लिया है, मतलब दो रोटी खाई है। वो रोटी इसीलिए खाई कि मुझे दवाई खानी पड़ती है पथरी की, तो इस वजह से मुझे वो खाना पड़ा। तो अभी चैलेंज स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम देखते हैं कितना हो रखा है। तो गाइस टाइम देखिए 8:33 हो चुके हैं, तो अभी से चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, नो फूड नो वाटर नो स्लीपिंग इन 24 आवर्स। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है, कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। और जो बंदा दिन रात खाने वाला है, मतलब मुझे हर दो ढाई घंटे में भूख लग जाती है। देखता हूँ मैं पहली बार, मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। अभी चैलेंज की शुरुआत में मैं जा रहा हूँ जंगल घास लेने के लिए, क्योंकि भाभी जो घर में है सफाई सुपाई और लिपपोती जो होती है वो कर रही है, तो मुझे घास लेने जाना पड़ेगा जंगल माँ के साथ। माँ पहले ही जा चुकी है थुमरो और सानू को लेके। और गाइस जो ये आप ठीक सामने वाली चोटी देख रहे हैं, अभी मुझे यहाँ जाना है और यहाँ पे हमारी कालीचरण सानू थुमरो सब चल रहे हैं। और माँ देखिए यहाँ घास काट रहे पहाड़ पे। तो गाइस काफी देर वेट करने के बाद अब माँ यहाँ पे घास लगा रही है, दोनों के लिए घास काट दिया है, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। यहाँ देखो मुझे क्या मिला है, ये है पहाड़ी हथियार, इससे आप जंगली जानवरों को कचाने के काम आएगा। कच 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 कच। और गाइस अब मुझे ये वाला फंसा लेके ठीक यहाँ से यहाँ जाना, नीचे काला मुंडे दिख रहा है ना, यहाँ पे यहाँ रास्ता है। तो गाइस फाइनली उतनी ऊपर से यहाँ तक बड़ी मुश्किल से मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पर माँ भी आ गई है और अब चलते हैं घर। तो गाइस पहुँच चुका हूँ घर में, टाइम देखे 11:30 का टाइम हो गया है और पसीना देखो भाई साहब। तो गाइस घास लाने के बाद मैंने कुकी को भी नहला दिया है और माँ वहाँ पे जो हमारे बिजगड़े हैं उनको फोल रही है। ये देखिए ये रहे घास के पंचे। और क्या बोलते हैं दोस्तों, चैलेंज तो पता नहीं कब पूरा होता है, मेरा गला अभी से सूखने लग गया है। तो गाइस अभी टाइम देखिए 1 बजने वाले हैं और ये लोग खाना खा रहे हैं। गाइस खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? मैं खाना दे मैं निखाना में यार चैलेंज है, मेरे नहीं खाना यार। तो गाइस अभी आए खाओ वो तो सुबह रख छाई, तो चैलेंज तो 8 बजे शुरू है। गाइस अभी खाना नहीं खाऊंगा, नहीं तो फिर चैलेंज ऐसे हो जाएगा। अब जाऊंगा मैं ठीक क्या बोलते हैं ऊपर जहाँ रामलीला चल रही है, नहीं तो अंदर रहूंगा ना, फिर मैं सो जाऊंगा। फिर चैलेंज करना है तो ढंग से करना है, नहीं तो नहीं करना है ना। अरे यार दोस्तों एक चीज तो मैं भूल ही गया यार, आज का दिन की स्कूल है तो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे यार, रामलीला की रिहर्सल जो है वो शाम को होगी, अब मुझे घर पे रहना पड़ेगा यार। आज पता नहीं यार क्या हो रहा है, और दिन तो मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है दिन में, आज पहले आंखें ऐसे मोटी मोटी होने लग गई। आज चैलेंज चल रहा है ना और दिक्कत हो रही है, और क्या बोलते हैं मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं हो रही है, अभी भूख भी नहीं लग रही है, बस मुझे प्यास लग गया है। मेरा जो गला है ना वो सूख रहा है बहुत खतरनाक वाला, और गला सूखने का रीजन बाकी कुछ नहीं है, गला से वो सूखने का रीजन जो बोला भी नहीं जा रहा ढंग से, वो यही है कि मैं जंगल चला गया था ना घास लेने। तो भाई अभी मैंने 3 घंटे सफलतापूर्वक काट दिए हैं, यहाँ देखो 4 बजने ही वाले हैं। आज दोपहर में मैच आ रहा था, क्या बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का लास्ट वनडे चल रहा है, तो उसमें मेरे 3 घंटे ऐसे चले गए पता भी नहीं चला। क्या बोलते हैं कि घर वालों से डांट तो पड़ी रही है कि क्यों छोड़ रहा है खाना ये सो चैलेंज चुलेंज। मैंने कहा चैलेंज करना है तो करना है, चैलेंज लिया है तो गाइस उसको आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता हूँ। सामने देखिए धूप कहाँ चली गई है, धूप चली गई ठीक कांडा मल्ला, और
क्या है कि भूख का इशू नहीं है मुझे, भूख तो मैं सह लेता हूँ वैसे भी, पर मुझे इशू है पानी का, पानी से मेरा गला सूख रहा है ना, उस वजह से दिक्कत हो रही है। गाइस अभी कुकी के मजे पड़ चुके हैं, यहाँ देखो डोने और मुंड बहुत सारे मिल चुके हैं उसके लिए। और क्या बोलते हैं कि यार एक बड़ा दुख भी हो रहा है यार, वहाँ सामने जो नई शॉप खुली है ना संदीप भाई की, तो वो मुर्गे लेके आ रहे थे कहीं से और गाड़ी में रखे हुए थे पीछे, और उनके ऊपर पड़ गया सामान, और जितने किलो ला रखे थे ना सारे खत्म हो गए यार, ये गलत हो गया यार बस। बाकी कुकी के लिए अभी ये ढोने ओने ले जा रहा हूँ। और गाइज अभी अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और नो चीटिंग के साथ फिलहाल इस टाइम तक पहुंच चुके हैं, और टाइम देखते हैं अभी कितना हुआ है। यहाँ देखिए 6:30 का टाइम हो रहा है, 6:25 टाइम हो रहा है, तो यहाँ तक पहुँच गए तो आगे भी चले जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी मुझे जो दिक्कत हो रही है वो हल्का सा जरा पेट में मुझे दर्द हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि मुझे भूख लग रही है। अब आप ही लगा लो यार, जो आदमी हर आधे घंटे में खाना चाहिए, जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, कचर पचर है, अब वो नहीं खाएगा तो असर तो पड़ेगा ना। मैंने पहले अगर किसी ने गौर किया था पहले की वीडियो में बोला था कि जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरा पेट हल्का सा दर्द होने लगता है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा बस गला सा सूख रहा है, पर चैलेंज पूरा करना है। अभी अभी माँ आई और नीचे से डांट के चली गई, बाकी बात से बलिया बल इन भी होने बल खुश है और कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी डांट पड़े चैलेंज पूरा करना है। खाने में क्यों क्या है चैलेंज, चल लो भाई ना बिना, भाई पागल से क्या सवेर खाने में ठीक को 8:30 बजे दूध बिना सवेर यहाँ खड़ी तो चैलेंज बोधी। तो गाइस अभी माँ और भाभी का भी खाना हो चुका है, और मेरे जो पेट है ना पेट में कुटर 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 हो रहा है, और क्या बोलते हैं इस टाइम तक तो अभी मैं क्या थंबनेल बना रहा था, तो थंबनेल भी मैंने बना के रेडी कर दिया है, तो देखते हैं अभी इसके बाद क्या क्या होता है, आंख भी मोटी मोटी होने लग गई है मेरी। और दोस्तों टाइम देखिए अभी टाइम 11 बज चुके हैं, और माँ यहाँ पे टीवी देख रही है और मैं अभी तक मूवी देख रहा था। और दोस्तों पता नहीं आज का दिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इतना बड़ा टाइम लग रहा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है यार, कोई बात नहीं चैलेंज दिया है तो पूरा तो करना ही है। और गाइज और दिन मैं आप सभी को जो मौसम का व्यू है वो सुबह का दिखाता हूँ, आज मैं आपको नाइट में दिखाऊंगा पहली बार। तो गाइज नाइट का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए सामने कांडा गांव की लाइटें ऑन हो रखी हैं और जून भी लगी पड़ी है, यहाँ देखो चंद्रमा भी आ रखा है हल्का सा। और गाइज अभी टाइम देखो 2:30 बज चुके हैं, 2:33 हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर लमसठ हो रखा हूँ। अब मुझसे नींद नहीं सही जा रही है, फिर भी मैं सहने की कोशिश करता हूँ, आँखें बिल्कुल इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, पेट में भी दर्द हो रहा है। तो गाइस अभी सुबह के 5:00 बज चुके हैं, 5:05 हो गए हैं, और इस बीच जो भी हुआ अभी इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। और यहाँ पर देखो कुकी भी लमसठ हो रखा है, बिल्कुल मस्त सा सो रखा है, और बाहर का मौसम कुछ अभी ऐसा है अंधेरा ही हो रखा है पूरा। और गाइस अब सवेरा भी हो चुका है, अंधेरा जा चुका है, मात्र 2-2.5 घंटे बचे हुए हैं चैलेंज पूरे होने को। और यहाँ टाइम देखो 6:09 हो चुके हैं, और गाइस मेरे चेहरे की हालत आप देख सकते हैं, एक ही दिन में कितना यार पतला हो गया है सूख गया है बिल्कुल। और गाइस यहाँ पे देखो मंदिर में भी भजन लग चुके हैं। और गाइस जिसने बोला है सच्ची बोला है कि सुबह की खूबसूरती का अंदाजा उसे ही होता है जो सुबह जल्दी उठ जाता है। तो गाइस फाइनली चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, यहाँ देखिए टाइम मात्र 5 या 6 मिनट बचे हुए हैं, और धूप देखिए कितनी तेज लग चुकी है, चेहरे के हाल देखो आप, मेरी ये वाली जगह ऐसे सूख रही ना, मतलब खराश टाइप को नहीं हो जाता वैसा हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल खतरनाक वाला, नींद का इशू नहीं है, और विदाउट चीटिंग मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। विदाउट चीटिंग नहीं, छोटी सी चीटिंग हुई है बस, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीटिंग हुई है। 2:30 बजे तक तो मैं उठा था, उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पेट में ना हल्का सा दर्द उठने लग गया और नींद आ रही थी भयंकर वाली, फिर मैंने अलार्म लगाया और 2-3 घंटे सो गया फिर ठीक नींद खुली 5 बजे, तो उसके बाद से उठाई हूँ अभी तक। तो गाइज बाकी मैं पूरा सेफ चला हूँ, मैंने कल से बिल्कुल भी एक दाना ना अन्न का खाया है ना पानी पिया है, और सिर्फ यही चीटिंग हुई है कि थोड़ा सा मैं सो गया था बस। गाइज 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 मात्र 2 मिनट बचे हैं दोस्तों, मात्र 2 मिनट, तो दोस्तों लास्ट 1 मिनट बचा है, यहाँ देखिए चैलेंज कंप्लीट होने को होने ही वाला है, बस 1 मिनट और 1 मिनट और 24 घंटे रह गया मैं, यार क्या बात है।
वैसे ज्यादा हार्ड नहीं था, बस वही इशू था कि पानी का और नींद का इशू था बस, बाकी कोई इशू नहीं था ज्यादा। अब भूखा तो आदमी वैसे भी रह जाता है यार, दो तो तीन तीन दिन तक रह जाता आदमी, ये तो एक ही दिन था। होने वाला है हो जा मेरी जान। अरे इतनी देर क्यों लगा रहा है, 24 घंटे हो गए। हो गया विक्ट्री। छोटी सी चीटिंग के साथ मैंने ये चैलेंज कर ही लिया है पूरा। तो दोस्तों अभी मैं फटाफट से हाथ मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ, खाता हूँ फटाफट से, नहीं तो अब पेट ऐसा कर रहा है, लोगों के पेट में चूहे कूदते, मेरे पेट में मेंढक कूद रहे हैं। चैलेंज कंप्लीट होने की खुशी देख रहे हो। चलिए दोस्तों आज का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है कल से और आज तक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ सबके साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसे जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।